बच्चे को मैं आज तक जिंदगी में भूल नहीं सका, टूटी कहती हूँ आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कहा उन बच्चों से, मैंने कहा कि देखो तीन किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल और तीसरा होता है एटीट्यूड। पहली क्या चीज होती है, दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है एटीट्यूड। मैंने कहा नॉलेज हमारे माशरे में बहुत चीप है, तुम एक बटन दबाओगे फला आर्टिकल खुल जाएगा तुम। मैंने कहा पाकिस्तान में स्किल भी महंगा नहीं है। मैंने कहा बेटा पता है महंगा क्या है, महंगा एटीट्यूड है। मैंने कहा सर ये क्या होता है। मैंने कहा एटीट्यूड बहुत महंगा है, जब तुम लोगों से बात करते हो तुम्हारे बात करने का अंदाज, तुम्हारे अप्रिशिएट करने का अंदाज। ब्रेक में भी बच्चों से बात करना पसंद करता था, बिकॉज जिमरॉन कहता था डोंट मिस द चांस टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। छोटे बच्चों को, बच्चों ने कहा सर एटीट्यूड होता क्या है। मैंने कहा मैंने पिछले 9 सालों में तीन किस्म के एटीट्यूड देखे, तीन किस्म के, चार एटीट्यूड। मैंने कहा अगर तुम्हें मेरे जैसा नहीं मुझसे भी बहुत बड़ा बनना है ना, ये एटीट्यूड मेरा फेवरेट है। छोटे बच्चे बड़े गौर से सुने, ऐसे आंखें बाहर आई, लग रहा है ना सर आप कुछ कहने वाले। अच्छा मैं आगे शेयर करूंगा, ऐसा क्यों करना चाहिए। मैंने कहा चौथा एटीट्यूड होता है, मैंने कहा स्कूल में गार्ड काम कर रहा है ना, मैंने कहा इसकी तनख्वाह बहुत कम होती है, इसकी इसकी जिंदगी में खुशी भी बहुत कम होती है, कोई से अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने कहा जब भी गार्ड मिले ना उसको बोलो जबरदस्त, क्या चमकाया है। मैंने कहा टीचरों को भी ना अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, कम मिलती है, तो क्लास में जब भी टीचर खत्म करें टीचर को बोलो जबरदस्त। मैंने कहा जिंदगी में अम्मी रोटी पका के लाए अम्मी का क्या बोलो जबरदस्त। मैंने कहा जिंदगी में बस अप्रिशिएट करते जाओ सर, कोई लॉजिक दें। रिचर्ड ब्रांसन ने 70 कंपनीज बनाई, 70 कंपनीज, एक आइलैंड पे सफर कर रहे थे। किसी ने रिचर्ड ब्रांसन से पूछा सर यहाँ से एक कंपनी नहीं खुल ली, आपने 70 इदारे चला दिए, 70 कैंपसेस बना दिए, 70 प्रिंसिपल्स को हायर कर दिया, एक प्रिंसिपल को मैनेज करना मुश्किल हो गया। रिचर्ड ब्रांसन ने कहा लाइक फ्लावर फ्लरिशेज इन वाटर, पीपल फ्लरिशेज ऑन प्रेस। जिस तरह फूल पानी से बड़े होते हैं ना, लोग दांत से बड़े होते हैं। बस जबरदस्त कहना सीखो, आप साथ बोल सकते हैं 3-2-1 में जबरदस्त बोलना, जरूर 3-2-1। एक छोटा बच्चा तो उसको बात समझ आ गई। अब मैं ब्रेक में कहीं मिल जाऊं ना उसको, वो यूं करता था जबरदस्त। अरे मैंने कहा यार सर मैं प्रिंसिपल के रूम में बैठा हूं, मैंने कहा मैं इसको कॉपी चेक करा रहा हूं, मैं इसे चेक कर लीजिएगा। वो आया बाहर से सर जबरदस्त। एंड आई वाज लाइक यार मतलब मेरा आखिरी दिन था स्कूल में, मैं जा रहा हूँ, वाज लाइक इनटू वो रो रहा है कि सर आपने 6 महीने में सर इतना मजा आ रहा था, बट मैंने कहा मैंने क्या सिखाया था, जबरदस्त। एंड आई लिटरली गॉट इन टीयर्स। मैं अभी भी कहानी सुनाते वो मैं नहीं महसूस कर पाता कि वो बच्चा मुझे कहीं मिल जाए, उन्होंने सीखे वो कहाँ पर है इस्लाम में। बट मुझे एक बात समझ, जिंदगी में अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी।